में आर्य समाज का नाई की मंडी में 63वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। उदार ग्रंथों का अध्ययन करने के अनमोल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि के लिए व्यक्ति को सदैव ध्यान साधना की ओर अग्रसर रहना चाहिए। ये कहना था विजयनगर स्थित विजय क्लब में आर्य समाज नाई की मंडी के 63वें वार्षिक उत्सव समारोह में हरियाणा से आयुर्वेद प्रवक्ता स्वामी आर्यवेश जी का। उन्होंने वेदों पर आधारित व्यवस्था की व्याख्या करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद ने समाज में सरकारों के लिए लोगों के लिए एक अलग ही नियम बनाए हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहकर देश और समाज में अपना योगदान दे सके। प्रधान सीएम मनोज खुराना ने बताया कि महर्षि दयानंद की शताब्दी वर्ष के अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यक्रम से पहले दिन प्रातः 21 कुंडीय यज्ञ शोभा यात्रा भजन और प्रवचन का आयोजन किया गया। मंत्री अर्जुन आर्य ने बताया कि शोभा यात्रा पूरे विजयनगर में भ्रमण करती हुई विजय क्लब पर समाप्त हुई, जिसमें आर्यजनों ने नारी समृद्धि लाई, गौ माता के प्राण बचाए, अखंड का गण टहाने, वैदिक नाद बजाया, देश जगाने, बिछड़े गले लगाने एक ऋषि दयानंद आए थे आदि नारों का उपदेश कर सामाजिकता का संदेश दिया। साहित्य सत्र की शुरुआत भजनों प्रदेशक डॉक्टर कैलाश कर्मठन के भजनों से हुई। उन्होंने 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, जैसे कि बाद एक भजनों से सभी को भाविभोर कर महर्षि दयानंद का गुणगान किया। अमन गुप्ता, अगर समाचार 24। आज की ये शोभा यात्रा ये नाई की मंडी आर्य समाज के वार्षिक उत्सव दिनांक आज कल और परसों के लिए मनाया जा रहा है। इसमें बहुत उच्च कोटि के विद्वान और उच्च कोटि के भजन उपदेशक आए हैं। हम लोगों का ये संदेश है आगरा की जनता को कि आर्य समाज की नीतियों के नीचे चल के उसका लाभ होना है। अदरवाइज हिंदू जाति का रक्षक आर्य समाज ही है, तो सब लोगों से आह्वान निमंत्रण कि आर्य समाज के इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने जीवन का उत्थान करें। आर्य समाज नाई की मंडी का प्रधान, हमारा आर्य समाज नाई की मंडी 63वां वार्षिक अधिवेशन मना रहा है, जिसके तहत आज 1 तारीख को सुबह शोभा यात्रा 2 घंटे की शोभा यात्रा है जो विजयनगर कॉलोनी से निकल रही है आपके सामने। लगभग 500 आर्यजन इसमें शामिल हैं। हमारा ये प्रोग्राम 3 दिन तक चलेगा, 1, 2 और 3 को समापन समारोह होगा। आप सभी से निवेदन है कि आप अवश्य पहुंचे।